नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। राष्ट्रपति की गरिमा के विरुद्ध टिप्पणी कर कांग्रेस नेता ने सर्वोच्च संवैधानिक पद और महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर सांसद अधीर रंजन के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अत्यंत अमर्यादित आपत्तिजनक और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है बल्कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का भी अपमान किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन द्वारा की गई टिप्पणी कांग्रेस के मूल चरित्र और संपूर्ण जनजातीय समाज के प्रति कांग्रेस की सोच को उजागर करती है। इस कृत्य के लिए लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन की सदस्यता भी बर्खास्त करनी चाहिए। देश की 130 करोड़ जनता अधीर रंजन चौधरी को उनके इस कृत्य का जवाब जरूर देगी। मार्केटिंग हेड दीपक बर्थे की रिपोर्ट।